दोस्तों बात है 1770 ईस्वी की, जहां हमारे मगध में पाटलिपुत्रा में भारी अकाल पड़ने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, सुखाड़ आने के कारण यहाँ सभी जनता लोग यहाँ भूखमरी से पीड़ित हो गए हैं। करोड़ों लोग यहाँ भूखमरी से पीड़ित हो गए हैं। सभी लोग मरने लगे हैं। सभी यहाँ भोजन खत्म हो चुका था। सभी यहाँ भोजन खत्म होने के कारण सभी जिधर तिधर सब भागने लगे सब भोजन के लिए। दोस्तों तभी यहाँ ब्रिटिश शासक वारेन हेस्टिंग थे। तभी यहाँ शासन करने वाले वारेन हेस्टिंग ने यह सोचा समझा कि हमारे अगर राज्य में इसी प्रकार अगर हर साल मामला आते गए हैं तो यहाँ करोड़ों करोड़ों सभी लोग यहाँ सब नष्ट हो जाएंगे, सभी लोग मर जाएंगे, सभी भूखे से मर जाएंगे। इसीलिए वारेन हेस्टिंग ने एक योजना बनाई कि हमारे एक प्रांत में पाटलिपुत्रा में ही, मगध के पाटलिपुत्रा में ही एक गोलघर का निर्माण किया जाए, जिसमें बहुत सारे हम लोग अनाज को एकत्रित यानी एक जगह हम लोग स्टोर करके रखें, जिससे आने वाली फ्यूचर में हम लोग अपने जनता लोग पब्लिक को हम लोग दे सकें, जिससे वह अपना आगे का काम सुचारू ढंग से यानी अच्छे तरीका से वह चल सके या कर सके, आने वाली अकाल से हम लोग लड़ सकें। तभी वारेन हेस्टिंग ने जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने अपने इंजीनियर जॉन गास्टिंग को आदेश दिया कि हमारे मगध में पाटलिपुत्रा में एक ऐसा स्ट्रक्चर का डिजाइन करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को हम लोग स्टोर कर सकें। तभी उस इंजीनियर ब्रिटिश इंजीनियर ने जॉन गास्टिंग ने सर्कल शेप का यानी गोलाकार शेप का गोल घर का निर्माण किया। दोस्तों ऐसा गोल घर का निर्माण किया जिसका हाइट था 29 मीटर था, जिसका डायमीटर था 125 मीटर था, उसका दीवाल था उस गोल घर का दीवाल था जो 1.6 मीटर का था, बहुत चौड़ा बनाया गया था, बहुत ही मजबूत बनाया गया था। दोस्तों इसमें अनाज रखने की कैपेसिटी 1,40,000 टन था। इसमें बहुत सारी अनाजों को रखने का, स्टोर करने का यह डिजाइन किया। इसको बहुत सारे अनाजों को रखने का को सोचकर वह डिजाइन किया कि हमारे अगर एक साल भी नहीं आएंगे, दो साल भी नहीं, अगर 5 साल तक हमारे पाटलिपुत्र को, मगध को हम लोग अकाल से बचा सकते हैं। तभी जॉन गास्टिंग ने इस गोल घर का निर्माण करने के लिए 20 जनवरी 1784 ईस्वी को यह काल प्रारंभ कर दिया, यानी इसको गोल घर बनाने की शुरुआत कर दिया। नेक्स्ट 2 वर्ष के बाद यानी 20 जुलाई 1786 ईस्वी को ही जॉन गास्टिंग ने गोल घर का निर्माण संपूर्ण ढंग से, अच्छी तरीका से या सुचारू ढंग से या कंप्लीट करके वारेन हेस्टिंग गवर्नर को यह सौंप दिया। तभी उसमें किसान द्वारा पैदा किए गए फसल को ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने उस फसल को उसमें स्टोर करने लगा। तभी इसके बाद कभी भी ऐसा अकाल पड़ने पर वह तुरंत उसमें से निकाल कर सभी पब्लिक को वह दिया करता था और उस पब्लिक से वह काम करवाता था। दोस्तों जो गोल घर है हमारे बिहार प्रांत के पाटलिपुत्रा में गांधी मैदान के पश्चिम साइड में स्थित है। दोस्तों इसमें बोला जाता है कि अगर गोल घर में अगर एक बार इसमें अनाज को अगर रख दिया जाएगा तो मगध यानी पाटलिपुत्रा के 4 से 5 साल तक लोग इसमें खा सकते थे। दोस्तों अगर आप कभी गए होंगे वहां, अगर आप पाटलिपुत्रा के अगर गोल घर में अगर जाएंगे, गोल घर पर अगर चढ़ेंगे, हाइट 29 मीटर, अगर आप 29 मीटर पर अगर चढ़िएगा तो उस पर से नज़ारा कुछ दिखिएगा तो पाटलिपुत्र का नज़ारा कुछ अलग तरीका का होता है। दोस्तों संपूर्ण पाटलिपुत्रा को वहां से आप कैप्चर कर सकते हैं, यानी आपको अगर फोटो लेना है यानी आपको वीडियो बनाना है तो आप पूरा पाटलिपुत्र को आप उस गोल घर से देख सकते हैं।
दोस्तों एक बार आप भी टाइम निकाल कर आप वहां जाइए और देखिए। दोस्तों बोला जाता है कि अंग्रेज हमारे यहाँ सभी लूट कर चले गए हैं, दोस्तों कुछ हमारे यहाँ छोड़कर भी गए हैं, जो इस प्रकार अब देखने को मिलता है। तो हमारे यही एक पटना में जो छोड़ा हुआ है वो गोलघर है। तो दोस्तों आप भी आइए, अगर गोलघर अगर आप कभी गए होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसमें कितने दरवाजे हैं, जिससे अंग्रेजों ने उसमें अनाज को डाला जाता था और दरवाजा से निकाला जाता था। आप नंबर ऑफ डोर बताइए, उसमें दरवाजा कितने हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में।